आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना की दूसरी लहर में जहां एसएन मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल फुल था, तो वहीं कोविड हॉस्पिटल में आज एक भी मरीज कोविड का नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां एसएन मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल फुल थे, तो वहीं आज कोविड अस्पताल में एक भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। एसएन के कोविड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि जिले में कोरोना केस बेशक कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम सबको कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। आज कोई मरीज भर्ती नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले हमारा जो एक आखिरी मरीज था, उसके जाने के बाद अब हमारे पास कोई भी कोविड-19 का पेशेंट MCH या पीडियाट्रिक आइसोलेशन में एडमिट नहीं है। अब पिछले 3 दिन से तो कोई भी मरीज पॉजिटिव आगरा में नहीं आया है, जो मैंने मेरे पास जो डाटा है। और जो मरीज पॉजिटिव है अभी, वो अधिकतर अपने होम आइसोलेशन में हैं और घर पर ही उपचाररत हैं। कोई एक दो मरीज होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, जो कोविड हॉस्पिटल एक आध जो प्राइवेट चल रहे हैं उसमें भर्ती हो सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आगरा में मंगलवार को राहत की खबर मिली। पिछले 98 घंटों में आगरा में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया। इसके अलावा एसएन मेडिकल कॉलेज स्थित कोरोना वार्ड भी खाली रहा, यहां अब एक भी मरीज नहीं है। एसएन के कोविड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज न मिलने का असर एसएन मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भी दिख रहा है। कोविड वार्ड अब खाली हो गया है, यहां भर्ती सभी मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वर्तमान में कोविड वार्ड और ICU खाली है, सभी मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इससे पहले कोविड वार्ड में इसी साल 16 फरवरी को भी खाली हुआ था। लक्ष्मी, सी न्यूज आगरा।